With the release date nearing, the celebrity screening of Rangoon was held at Lightbox. Let's take the celebs' review of Rangoon and what they all have to say on the hard-hitting war love story. काफी उत्सुक हैं हम लोग फिल्म दिखाने के लिए और विशाल सर जो डायरेक्टर हैं वो सबकी विश लिस्ट में रहते हैं हमेशा कि सब एक्टर्स उनके साथ काम मुझे अब इतने मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का तो ये तो उम्मीद है कि अब आगे बढ़ा जाए कंगना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं और शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आर इंडस्ट्री एंड शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी दिस फिल्म आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में और यही इस बिज़नेस को बाकी बिजनेस से अलग करता है कि आप जो कर रहे हैं वो हर बार आप कुछ नया आयाम उसमें ढूंढते हैं तो आई थिंक अगर हर फिल्म अपने आप में एक्सपेरिमेंट है तो ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल है और उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वी टोटली आइडेंटिफाई विद यू नो विशाल जीज सॉर्ट ऑफ थिंकिंग बिकॉज ये भी एक अलग रंग ढूंढते हैं अपनी फिल्मों में तो इसलिए हम लोगों का जुड़ना इसमें बहुत ही एक नेचुरल या बड़ी लाजमी सी बात रही है और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि फिल्म में नाच गाना नहीं है या बॉलीवुड नहीं है मज़े की बात यह है कि फिल्म एक्चुअली एक एक्ट्रेस की स्टोरी है जो जो सरहद पे जाके उस वक्त उस बैकड्रॉप में फोर्सेस को एंटरटेन कर दिया तो इसमें बहुत नाच गाना भी है लेकिन ऑफ कोर्स वो विशाल भारद्वाज के अंदाज में है और वही उस फिल्म की यूनिकनेस है ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू विशाल भारद्वाज हिज मूवीज एंड आई हैवन्ट हैड द गुड फॉर्च्यून टू वर्क विद हिम येट बट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिज मूवीज गॉट अ स्टेलर कास्ट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय माय डियर फ्रेंड साजिद नरेडवाला हु ऑलवेज कम्स अप विद अ जेम सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म And I like the theme, and I think it should be great. Second World War के time के उसकी last वो INA British Indian Army एक history का एक जो background है उसमें एक भारतीय इतिहास का modern इतिहास का एक पहलू है और उसके ऊपर एक love story उसमें गढ़ना कोई आसान काम नहीं. I love the trailer. That's why I said I watched the trailer. That's why I'm here because it is wonderful. Very unusual, very different from the usual Hindi cinema, and it really grabbed me, and I'm here to see. I found the trailer very exciting. You know the kind of the way in which Vishal sir has captured the era in which the film has been set. Even the way the characters are looking, it's like kind of got my attention and kind of got me very excited. So that's Shahid had called me to come for tomorrow's screening. I couldn't wait. I said no, I'm going to come for today's screening only because I just can't wait to see the film. ये बहुत गट्सी एक्टर्स हैं इन्होंने हमेशा चैलेंजिंग काम किया है चाहे वो कंगना हो शाहिद हो सैफ हो ये अपने हिसाब से अपनी कहानियां चुनते हैं और अब ये विशाल सर के साथ हैं तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बहुत इंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी जी और इसी के लिए ऐसे फिल्म मेकर्स लगते हैं जिनका नाम विशाल भारद्वाज है कि वो अपनी कहानी को एक ऐसा बैकड्रॉप देते हैं और वैसे कैरेक्टर्स देते हैं जो आपने पहले नहीं देखे तो नई चीज़ है बिल्कुल देखने में मज़ा आएगा इट्स आई थिंक इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन विशाल सर एज ऑलवेज हिटिंग हैट्रिक आफ्टर हैट्रिक आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डैम एक्साइटिंग सो गाइस Get geared for the 24th Feb release and watch the sizzling chemistry between the three actors, Saif, Kangna and Shahid.